is sponsored by. प्रभारी अन्य लोग आए होंगे, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा ये होंगे। आप सब लाभार्थी बैठे हैं, बहुत से लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला होगा। ऐसे घर जिनको मिला है वह कृपया हाथ उठाने का काम करेंगे कि जिनको घर हाथ उठाए रखिए, एक से बात करूंगा। पक्का मकान है, ढलैया वाला है, जो नया घर है वो कैसा है? अच्छा है सर। पहले क्या चीज में रहते थे? अल्बेस्टर में। कौन सा दीवार था? मिट्टी का। मिट्टी का। छावनी क्या था? अल्बेस्टर का। पहले और अभी में क्या फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है सर। बहुत फर्क है जी सर। जिस समय घर का पूजा की होगी, घर में गई होगी, उस समय घुसने पर कैसा लगा था? बहुत आनंद मिला, बहुत सुकून मिला। ये घर कौन दिया आपको? नरेंद्र मोदी दिए, रघुवर दास दिए और सभी गैस दिए। गैस वाले से बात करेंगे। आपको घर में गैस में घर वाला बोलिए। शौचालय भी बना जी सर। गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन भी मिला जी सर। बिजली भी मिला जी सर। कितना चीज एक साथ मिल गया? सब लग रहे हैं क्या? जिनको गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन मिला है वो को हाथ उठाए। ये तो बहुत बड़ी संख्या। एक से बात कराए, आपको गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर मिला? मिला है सर। नरेंद्र मोदी है। मोदी? हाँ। नहीं, गलत बात। हाँ। ना नहीं जानती। गैस का सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी दिया और गैस का चूल्हा मुख्यमंत्री रघुवर दास जी दिया। जब हम बात करते हैं लाभार्थियों की, तो पहले जब हमारा कोई भी कार्यक्रम होता था, तो जब कोई कार्यक्रम होता था उसमें केवल पुरुष की संख्या हुआ करती थी और 10-20 महिलाएं होती थी, परंतु तो आज के कार्यक्रम में केवल महिलाएं हैं और बहुत कम संख्या में आज यहाँ पुरुष बैठे हुए हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर हम आगे बढ़े थे कि हमारी सरकार ने जब योजनाएं बनाई, उन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को कैसे मिले, इस पर ध्यान दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो सरकार बनी है वह गरीबों के लिए समर्पित है। और ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि आजादी से लेकर 2014 तक 67 वर्षों के अंदर 55 साल तक एक ही पार्टी का सरकार रहा, एक ही परिवार के लोगों ने शासन चलाया, या तो उससे खुद शासन चलाया या किसी को समर्थन देकर शासन चलवाया। एक गरीब क्या चाहता है? हर व्यक्ति का परिवार यह चाहता है कि मेरे जीवन में पक्का मकान होना चाहिए, जिसका उल्लेख माननीय सांसद श्रीमान पशुपति सिंह जी ने किया कि हर गरीब के मन में एक लालसा होती है कि हमको एक पक्का मकान चाहिए। और पक्का मकान देने का किसी ने काम किया है इस देश के अंदर? तो भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और जब हम झारखंड की बात करते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने इस राज्य के अंदर 6 लाख परिवारों को 2 कमरे का पक्का मकान दिए हैं। और 2 कमरे का जब मकान कहते हैं तो केवल 2 कमरे का मकान नहीं, उसके साथ हम लोगों ने किचन भी दिया, उसके साथ उस मकान में बरामदा भी है।
और ये अच्छा मकान बनाकर, दो कमरे का सुंदर मकान बनाकर अभी तक हम लोगों ने 6 लाख परिवारों को दिया। ये लाभार्थी सम्मेलन है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और मुझे खुशी है कि आज बहुत बड़ी संख्या में, आपने देखा होगा, महिलाएं आई हैं यहाँ पे, 6000 से भी ज़्यादा महिलाएं आकर और लाभार्थी सम्मेलन को सफल बनाया। स्वतः स्फूर्त आई हैं, उनको लग रहा है कि मोदी जी ने, रघुवर दास जी ने हमें लाभ दिया है, सांसद महोदय ने, बोकारो के विधायक जी ने हमें लाभ दिया है, तो स्वतः स्फूर्त होकर आई हैं और सब ने संकल्प लिया है कि इस बार बोकारो विधानसभा क्षेत्र से फिर से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर रांची भेजने का काम करें।